जय श्री माता जी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना पाव के हम बर्गर बनाएंगे। हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो सब्जियाँ डलेंगी बहुत ही ज़्यादा ये प्रोटीन से भरी हैं। इसमें मैंने पनीर लिया है, बीन्स ली है, कैरेट लिया है, स्वीट कॉर्न्स लिया है, और जो हमारी सोयाबीन की बड़ियाँ होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, उनको भिगोकर मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। प्याज है, टमाटर है, तो फ्रेंड्स ये सारी सब्जियाँ मैंने हल्की बॉईल करके इनको मिक्स करके मैंने रख लिया है। यहाँ पर मैंने ये दो उबले हुए आलू लिए हैं, इनमें हरी मिर्च को बारीक बारीक काटा हुआ है, ये हरा धनिया है, ये हमारी हरी चटनी है और मेयोनीज है। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले अपना ब्रेड बर्गर बनाने के लिए, यहाँ पे जी मैंने 4 स्लाइस ब्रेड लिए हैं, इनको ब्रेड दी है मैंने, और एक ये गिलास लिया है, इसे देख सकते हैं आप बिल्कुल। अब हम इसको गिलास को इस ब्रेड पे रखेंगे और प्रेस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्रेड कट कर ऐसे तैयार हो गई है। ऐसे हम अपनी सारी ब्रेड कट कर लेंगे बर्गर की शेप की। यहाँ पर ये मैंने सारी ब्रेड बर्गर की शेप की कट कर ली है, और जो इसका एक्स्ट्रा बचा है फ्रेंड्स वो हम अपने टिक्की में डाल लेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाकर उनको मिक्सी में ग्राइंड करके अपनी टिक्की में डाल लेंगे। अपने इनको जो ब्रेड हमारी बची हुई थी इनको मिक्सी में पीस लिया है। अब हम अपना टिक्की बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आलू डालेंगे। ये बाउल में आलू और हरी मिर्च डाल ली है, अब ये सारी सब्जियां डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे और ये अपने ब्रेड क्रम्स डालेंगे। फ्रेंड्स ये नमक डालेंगे। नमक मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि जो सब्जियां हमारी बॉइल्ड थी मैंने उसमें भी डाला था। हरी मिर्च डालेंगे, सॉरी लाल मिर्च डालेंगे, और ये अपना धनिया पाउडर डालेंगे। अब फ्रेंड्स हम इनको अच्छे से मिलाएंगे और हम अपनी टिक्कियाँ बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये टिक्कियाँ बन गई हैं। अब एक पैन में मैंने घी लिया है। फ्रेंड्स मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। इनको हम सिम गैस पर सेकेंगे ताकि हमारी टिक्की अंदर तक सिके। कि फ्रेंड्स एक तरफ से हमारी टिक्की सिक गई थी, अब मैंने इसको पलट दिया है। अब जब हमारी टिक्कियाँ सिक जाएंगी तब हम अपना ब्रेड बर्गर बनाएंगे। इनको सिम गैस पर ही सेकना है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनने वाले हैं हमारे ये ब्रेड बर्गर, क्योंकि इसमें आलू भी कम डाले हैं, बाकी इसमें हमारी बहुत सारी सब्जियां डली हुई हैं। आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को सब्जियां पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसी टिक्की आपके बच्चों को पसंद है, कई बच्चे बिल्कुल सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो आप खाली पनीर और आलू की टिक्की भी बना सकते हैं। अब एक बार हम इन टिक्कियों को पलटेंगे। फ्रेंड्स इतना हमारी ये टिक्कियाँ सीख रही हैं, इतना हम अपने और तैयारी कर लेते हैं बर्गर में लगने के लिए। हम प्याज और टमाटर को काट लेते हैं गोल गोल और अपने ब्रेड बर्गर को भी सेक लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, और यहाँ पर मैंने ये प्याज टमाटर और खीरा भी काट लिया है। अब फ्रेंड्स आओ बनाना शुरू करें अपने ब्रेड बर्गर। तो फ्रेंड्स यहाँ एक ब्रेड लेंगे, अब हम इनको सेकेंगे, एक पैन पर रखेंगे, इनको हम अच्छे से सेकेंगे दोनों साइड से। आपको जैसा पसंद है, ज़्यादा करारा पसंद है तो करारा सेक सकते हैं, हल्का पसंद है तो हल्का सेक सकते हैं। जैसे आपको बर्गर पसंद है खाना वैसे आप इसको ब्रेड को सेक सकते हो।
बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना फ्रेंड्स, नहीं तो ये बिल्कुल दब जाएगी। इसको हल्का हल्का ही हमें सेकना है, हल्के हाथ से सेकना है, इसलिए मैं हाथ से ही पलट रही हूँ इनको। अब ये हमारी सूख चुकी है, अब अपना बर्गर बनाते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड मैंने मेयोनीज लगाई है, एक तरफ मैंने अपनी ये हरी चटनी लगाई है। अब इसमें हम अपनी टिक्की रखेंगे। अगर आपको दोनों साइड मेयोनीज लगानी है या रेड सॉस लगानी है, टमाटो सॉस, तो जैसा भी आपको टेस्ट पसंद है फ्रेंड्स, आप उसी हिसाब से अपना बर्गर बना सकते हैं। अब यहाँ इस पर मैंने ये टमाटर, प्याज और खीरा रख दिया है। इस पर थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर हम अपना दूसरा ब्रेड स्लाइस रखेंगे। अब फ्रेंड्स, इसको हम एक बार और हल्का सा सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम हल्का सा दोनों साइड से सेक लेंगे और हमारा बर्गर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रेड बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इनको सॉस के साथ खाइए या हरी चटनी के साथ खाइए, जैसे भी आपको अच्छे लगते हो वैसे खा सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी इजी रेसिपी है हम ब्रेड बर्गर बनाने की, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आज आपको ये बर्गर की नई रेसिपी कैसी लगी। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।